ये पीएससी नहीं है अभी, ये एडी चल रहा है, नहीं गवर्नमेंट की अपग्रेडेशन नहीं आई है, उसकी क्रिएशन नहीं आ रही है इसकी, वो नहीं अभी कंप्लीट हुई है। मैं फार्मासिस्ट एज ए डॉक्टर का काम कर रहा हूँ, डॉक्टर भी अवेलेबल डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आ गया तो आप एक फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर तो नहीं हो ना, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो उसके फलों? आज फर्स्ट ईयर मैं पूरी तरह उसको दे सकता हूँ, अच्छी ट्रीटमेंट कर सकता। ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो? नहीं ज़्यादा, वाकई जो अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए रेफर, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है, हम रेफर कर दे ऐसी हेडक्वार्टर पर। अगर देखा जाए आपके पास कौन सी गाड़ी है एम्बुलेंस की? एम्बुलेंस है जो आजकल वो गैराज में है, वो एम्बुलेंस आजकल वो गैराज में है। कितने टाइम से गैराज में है? 8 दिन से। क्यों 8? उसको क्या है, रिपेयरमेंट कुछ हो गया था इसलिए गैराज। ओके ...2003 में हमने डोनेट करी है ये ज़मीन हॉस्पिटल के लिए, ये एलोपैथिक डिस्पेंसरी, आज तक ये एलोपैथिक डिस्पेंसरी है। एक वक्त आया जब उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रामा सेंटर बनाएंगे, तो हमने ये ज़मीन उसी लिए डोनेट की थी। उस समय की बात है, 2003 में 1.5 करोड़ रुपया आया था। क्या नाम है इसका, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की हालत आप लोगों ने देखी होगी। इसका बहुत बड़ा इलाका पड़ता है, मजमू से लेकर मजमू टंडलू डिंगुवारी, क्या नाम है इसका, चिकवांगुन हिलर हिलर बनांगन बकरवाल चक, बहुत बड़ा इलाका है, मगर डॉक्टर के बगैर हम। इसलिए जितने भी लोग हैं परेशान हैं, एम्बुलेंस है मगर काम कोई नहीं एम्बुलेंस का। क्या काम करते हैं ये जो यहाँ की एम्बुलेंस है BMO साहब काजीगुंड, ये उसको वहाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ किसी काम यह आती नहीं है। अगर ऐसा मामला कभी भी हो भी जाता है तो हमें प्राइवेट गाड़ियों में लेना पड़ता है। डॉक्टर सी ने डॉक्टर सी कहते क्या मतलब इंचार्ज फार्मेसिस्ट है। अच्छा मतलब बेसिकली बर्ड प्रॉब्लम छ ये छु न आब न छ पावर है گورمنٹن بنٲیِتھ تہٕ نہ چھُس کانٛہہ فیسلٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس کا نام ہے اس کی جو صحت ہے وہ آج کل خراب ہے بالکل جموں سری نگر راشٹریہ راج مارگ کی ہم بات کریں گے جہاں پہ 50 گز کی دوری پہ नेशनल हाईवे के साथ ही एक PSC सेंटर खोला गया है। यहाँ पे 10 साल पहले यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसकी बिल्डिंग को तामिर किया, 3 बिल्डिंग पे ये यहाँ पे जो है ये हॉस्टल बनाया गया है PSC सेंटर। लेकिन आप इस हॉस्टल की जो है खुद आप हालत देख सकते हो, एक बिल्डिंग में 3 मुलाजिम है, जहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए, कुछ स्टाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक फार्मासिस्ट जो है वो बैठा है। उनके साथ हमने बात की, उनने यही कहा कि मैं तो बड़ा इलाज नहीं कर सकता हूँ लेकिन छोटा जो फर्स्ट एड है वो मैं कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी हमें मालूम हुआ कि इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस यहाँ पे है वो कई दिनों से जो है वो बेकार पड़ी है, वो गैराज में है। अगर कोई पेशेंट जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा, हर हमेशा जो हादसात उनका खतरा बन जाता है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको एक साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल मेरे पीछे जो है बगल में यहाँ पे हाजन अवकाफ के मिनिस्टर फारूक अहमद इंद्राबी भी रहते हैं 50 गज की दूरी पे, लेकिन उसकी आंखों से भी ये हॉस्टल ओझल है और सरकार की आंखों से भी और सेहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी आंखों से भी ये हॉस्टल ओझल है। अब तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह ही बचाए अब इस कौम को, क्योंकि अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त का घर मिले या दुश्मन का। सज्जाद मुनवाड़ी, एक्सेलसियर न्यूज़, काजीगुंड, अनंतनाग।